अभी मैं इधर गौसुल आलम मुहियद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी कद्दसल्लाहु सर्रुल अजीज मकाम में है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह पेर्शियन गल्फिन्റെ മണ്ണിലൂടെ राहत ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പേർഷ്യ ഇറാൻ ഇറാന്റെ കാഴ്ചകളിൽ പല കാഴ്ചകളും ഞാൻ ഇതുവരെ माशाल्लाह दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तंदुरुस्त होंगे और खरो आफियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम करम से। और आपकी दुआओं से शियापाई का जो दोस्तों सफर हो रहा है वो इराक में हो रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि शियापाई अल्हम्दुलिल्लाह इराक के सफर में रवाना है। शियापाई के दोस्तों आज इराक में दूसरा दिन है। शियापाई ने दोस्तों आज इराक में कितना सफर रवाना कर चुके हैं और शियापाई का जो आज का करंट लाइव लोकेशन है वो क्या है, शियापाई किस शहर में अपने सफर को रवाना करे हुए हैं और शियापाई कब तक अपने हज मुकर्रमा पर पहुंच जाएंगे, सब लोकेशन सब जानकारी आज की वीडियो में आपको मालूम होने वाली है। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और माशाल्लाह अगर आप शियापाई का आज तक का लाइव लोकेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, शियापाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम करम से अपने इराक के सफर में बहुत अच्छे से रवाना है। शियापाई एकदम तंदुरुस्त और खरो आफियत से अपने सफर को रवाना करे हुए हैं। शियापाई को आज इराक में दो दिन मुकम्मल होने वाले हैं। शियापाई ने दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इराक के बगदाद शहर में रुके हुए हैं। शियापाई दोस्तों इराक के बगदाद शहर की अब्दुल कादिर जीलानी की जो मजार है शियापाई वहां पर भी गए और शियापाई जितनी भी इराक में मजारे मौजूद हैं शियापाई हर मजार पर जाएंगे और दुआएं करेंगे कि अल्लाह उनके सफर को आसान करे। शियापाई का जो आने वाला सफर है और जो सफर चल रहा है वो एकदम खैर आफियत से हो, शियापाई को कोई परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शियापाई ने अल्हम्दुलिल्लाह इराक में अभी अपने सफर को 20 से 30 किलोमीटर का सफर कर लिया है। शियापाई बहुत जल्दी अपने इराक का सफर को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि जो शियापाई का इराक का सफर है वो 10-20 दिन का सफर है। शियापाई बहुत जल्दी इस सफर को रवाना करके अपने आगे सफर को रवाना करेंगे। इसके हवाले से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शियापाई का जो इराक का वीजा है उसे दिलाने में शियापाई के केलरा के रहने वाले शेख अकबर साहब ने बहुत ज्यादा मदद करी है। उन्हीं के हवाले से शियापाई को इराक का वीजा मिला है। इसी के हवाले से दोस्तों शियापाई का जो आगे कुवैत का वीजा है वो भी अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआ से कोई नेक बंदे की वजह से शियापाई को कुवैत का वीजा भी मिल जाएगा और शियापाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने कुवैत के वीजे को लेकर आगे के सफर में रवाना हो जाएंगे। शियापाई की दोस्तों जो अभी अपने हज मुकर्रमा से दूरी बाकी है वो 2400 किलोमीटर की बाकी है। शियापाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से और आपकी दुआओं से इस 2400 किलोमीटर की दूरी को भी पार करके अपने हज मुकर्रमा पर पहुंच जाएंगे। शियापाई के जो दोस्तों सफर है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। शियापाई के सफर में जो दोस्तों मुश्किलें थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। शियापाई अल्हम्दुलिल्लाह शियापाई का जो भी रोज का लाइव लोकेशन है वो आपको हर जगह मिलता रहेगा क्योंकि शियापाई जब ईरान में अपने सफर को कर रहे थे तो वहां का मौसम भी दोस्तों बहुत खराब था और वहां पर नेटवर्क ना होने की वजह से शियापाई अपनी लोकेशन अपनी जानकारी और लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह शियापाई इराक में मौजूद है और शियापाई के पास एक शियापाई की टीम भी मौजूद है जिसके हवाले से शियापाई हर अपडेट हर जानकारी सब तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों आप बस उनके लिए दुआएं करें कि शियापाई कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो, शियापाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने हर सफर को आसान करते हुए आगे के हज में मुकम्मल हो जाएं। तो आप उनके लिए दुआ करें, हम आपको शियापाई का 2023 तक का पूरा सच्चा लाइव लोकेशन देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आप कहीं ना जाएं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं शियापाई के अगले बिग अपडेट के साथ।